अमरजीत जी, आपने लगभग 87 देश जो है आप ट्रैवल कर चुके हैं जी, और 40 जो कंट्री है आपने बाय कार आपने घूमे हैं, और 47 कंट्री जो है वो आपने वैसे घूमे हैं, तो मतलब टोटल 87 कंट्री आप घूम चुके हैं। जो ये 40 कंट्री घूमने का कार से जो अनुभव आपका रहा, वो किस तरीके से डिफरेंट था जो अदर कंट्रीज आपने घूमे? बहुत डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट था। मैं यूरोप कम से कम 20-25 दफे से भी ज्यादा गया हूँ, 30 हाँ 20-25 दफे तो गया हूँ जी। और हमेशा यूरोप जब भी मैं गया हूँ, मुझे या तो मुझे किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाना होता था या फैमिली के साथ वेकेशन पे जाना होता था। तो मैंने जब मैं अपनी यात्रा जर्नी पे जब मैंने जो कार द्वारा की और मैं यूरोप गया, और जब मैंने वो यूरोप देखा तो मुझे लगा यार ये कौन सा यूरोप था जो मैंने देखा ही नहीं था। तो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक्चुअली जो कंट्री है वो कंट्री साइड है जी। आप वैसे तो आप न्यूयॉर्क चले जाइए, पेरिस चले जाइए, लंदन चले जाइए, मुंबई आ जाइए, ये सारी जगह सिमिलर है। वैसे ही भीड़ भाड़, वैसे ही लोग, आर्किटेक्चर फर्क हो सकता है, थोड़ी रोशनी ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसमें कोई फर्क नजर नहीं आता आपको। लेकिन जब आप कंट्री साइड घूमते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं और वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, बहुत ही डिफरेंट होती हैं बिल्कुल, और उसका जो अनुभव है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप लोगों के साथ होम स्टे में घरों में रहते हैं, वहाँ के कल्चर को समझते हैं, वहाँ उनके साथ छोटी सी झोपड़ी में या छोटे से किसी होम स्टे में या छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं या छोटे से किसी एक आम होटल में ठहरते हैं, 5-star में नहीं ठहरते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। या कैंपिंग कर रहे हैं आप बंजारों की तरह, नोमैड्स की तरह, तो वो एक अलग अनुभव है जी। तो वो आप तभी कर सकते हैं जब आप अपनी कार द्वारा या मोटरसाइकिल, जो भी आपका वाहन है जिस पे भी आप जाना चाहते हैं, एंड गो टू द कंट्री साइड। तो हम तो हाईवे पे भी नहीं जाते थे, हम तो अंदर की सड़कें लेते थे, जो छोटी छोटी सड़कें होती थी और छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहर, और वो देखना और उसका अनुभव करना, इट वॉज अनइमेजिनेबल। वो उसका मजा ही कुछ और है जी, चाहे वो इंडिया का हो चाहे बाहर का हो। इंडिया में भी है बहुत सारी जगह ऐसी है जो आप, और आप हम गए होंगे, अब हम शिमला गए फॉर एग्जांपल, तो शिमला हमने क्या देखा है? मॉल रोड और ऊपर के 2-4 चीजें, बहुत सारे लोग होंगे तो आसपास के 2-4 उन्होंने टूरिस्ट पॉइंट देख लिए होंगे, लेकिन वो छोटे छोटे गांव जो शिमला के हैं, जो रास्ते में पड़ते हैं, जो हम नोटिस भी नहीं करते और कभी रुकते भी नहीं है वहां पर, या किसी ढाबे पे हमने चाय पी ली और उस गली के नुक्कड़ पे एक जो अंदर सड़क जा रही थी 10 किलोमीटर नीचे जाके, वहां क्या था हमने कभी देखा ही नहीं, और वही असली शिमला है जी। बिल्कुल, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मंजिल से अधिक जो है सफर का आनंद है। वही है जिंदगी, है सफर ही है, सफर का आनंद जो है वो तो मंजिल पे पहुंचने के, मंजिल पे पहुंच जाने पे तो आप खत्म हो जाते हैं, आपका पर्पस खत्म हो जाता है जी। मैं तो कहता हूँ सफर कभी नहीं खत्म होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने।